उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में किया गया, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया, जिसको सभी आंगनवाड़ियों को दिखाया गया। पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में CDO मुरादाबाद DPO डॉक्टर अनुपमा शाडिले भी मौजूद रहे। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को बुलाया गया और इस योजना के प्रति जागरूक किया गया और कहा गया कि इस योजना से देश की बेटियों को बल मिलेगा। 11 से 14 वर्ष की सभी बेटियों को पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। किशोरी को समृद्ध बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी अपना काम कर रहे हैं। इस योजना में पुष्टाहार में मीठा दलिया, दाल, चना और देसी घी भी दिया जाएगा। साथ ही किशोरी हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा और हर माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सभी बिंदुओं पर कार्य करने पर जागरूक किया गया। इस मौके पर CDO मृदुल चौधरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तंजीम की प्रिया अग्रवाल, सूचना अधिकारी जहांगीर आलम, ADO पंचायत SP सिंह, नेहा ठाकुर, पोषण अभियान प्रभारी सहित सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। उसका शुभारंभ कर रहे लोग और एक सुपोषण गाइड का विमोचन किया, जो कि हम लोगों को मार्गदर्शन कर सके किस प्रकार से हम कम्युनिटी में जाकर महिलाओं को बच्चों को सुपोषण की शिक्षा दे सकते। तो ये किशोरी शक्ति योजना, ये माना गया कि सुपोषण को यदि स्थापित करना है तो हमें किशोरियों को ही एड्रेस करना होगा पहले, और तब वो चक्र सुपोषण का भी हो सकेगा। और पोषण अभियान के जो हमारे टारगेट हैं उसमें से एक टारगेट किशोरियों में एनीमिया कम करना, 80% तक कम करना। उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉपर योजना का अभाव था अभी तक, तो ये योजना के इंट्रोडक्शन से उस टारगेट को भी हम अचीव कर सकेंगे और किशोरियों को योजना के माध्यम से किशोरी दिवस आयोजित किया जाएगा, जो कि 8 तारीख को होगा हर बार। इस बार 8 मार्च को पड़ेगा और हर साल 2 बार यह ANM सब सेंटर पर होगा, जिसमें कि हम किशोरियों को उनकी हीमोग्लोबिन की जांच, उनके बॉडी मास इंडेक्स आदि को नोट करके कार्ड में उनकी सब चीज़ें अंकित की जाएगी और उनको पोषण शिक्षा दी जाएगी, और साथ ही साथ प्लस के टीकाकरण की बात जो होगी उनकी, वो उनकी एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन फॉलिक एसिड उनको दिया जा रहा है विप्स प्रोग्राम के तहत, वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन के थ्रू। तो ये पूरा समेकित रूप से हम एडोलेसेंट गर्ल्स को अब एड्रेस कर सकेंगे। इसमें वीरांगना दल गठित किए जाने का प्रोविजन है, जिसमें एक सखी और 2 सहेलियों का चयन होगा और एवरी मंथ 4th मंथ हम उसको चेंज करके दूसरी लड़कियों को, जिससे उनमें नेतृत्व की भावना भी आ सके।